हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। और हम कर रहे हैं लूसन जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस करेंगे विंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी विंड से रिलेटेड फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। कंसिडर द फॉलोइंग: स्ट्रॉन्ग विंड्स, लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लाउडी स्काई एंड कोल्ड ड्राई एयर। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए इन चारों में से कौन सी कंडीशंस आइडियल कंडीशंस है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है कि विद हाइट जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सी कंडीशंस में विद हाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा? क्योंकि यूजली अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है। तो कौन सी कंडीशन है वो? फर्स्ट है लॉन्ग विंटर नाइट्स और दूसरा है कोल्ड ड्राई एयर। तो आंसर आ जाएगा 2 और 4 ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फॉन एंड चिनूक विंड्स आर एक्सपीरियंस्ड इन। फॉन विंड कहाँ पे चलती है? यूरोप में चलती है, और चिनूक विंड है नॉर्थ अमेरिका की लोकल विंड्स। तो फॉन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द वैली ऑफ नदरन एल्प्स इन स्विट्जरलैंड। पर्टिकुलरली जो फॉन विंड है ये स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड में जो एल्प माउंटेन है, एल्प माउंटेन की नदरन वैली में ब्लो करती है फॉन विंड्स। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ तक सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑन रॉकीज इन नदरन अमेरिका। चिनूक नदरन अमेरिका की लोकल विंड है और नदरन अमेरिका में रॉकीज की ईस्टर्न स्लोप्स पे ब्लो करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ कोल्ड लोकल विंड ड्रेनिंग ओकेजनली डाउन द रॉन वैली इज नोन एज। रॉन वैली कहाँ पे है? रॉन वैली है फ्रांस में। फ्रांस में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फ्रांस के साउथ पार्ट में है, सदर्न फ्रांस में है। तो सदर्न फ्रांस में कौन सी विंड ब्लो करती है? मिस्ट्रल विंड। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, असोशिएशन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर थर्मल इन ओरिजन। थर्मल इन ओरिजन का मतलब क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो वर्टिकल विंड्स होती है उनका टेम्परेचर चेंज होता है विद हाइट। तो असोशिएशन वाली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिवेल्प ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिवेल्प होते हैं, इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, राइट? तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू है, क्योंकि क्रॉलिस फोर्स की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो थर्मल ओरिजिन के नहीं होते हैं, राइट? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन, कंसिडरिंग द वर्ल्ड्स विंड सिस्टम द वेस्टर्ल इज नॉर्मली ब्लो बिटवीन 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स। जो वेस्टर्ली विंड्स है वो यूजली 35 to 60, 30 to 60 भी कहीं जगह पे लिखा होगा, 40 to 60 भी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है राइट स्टेटमेंट है, वेस्टर्ली विंड्स, ये रही वेस्टर्ली विंड्स, राइट? तो ये कहाँ पे ब्लो करती है? 30 to 60 के बीच में। तो 40 to 60 वाली जो स्टेटमेंट है ये भी राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिड लैटिट्यूडिनल प्लैटिनरी विंड्स। अब ये जो वेस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही है ना, ये क्यों ब्लो कर रही है? क्योंकि अगर हम देखें इक्वेटर पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर। तो वेस्टर्ली विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से तो ब्लो कर रही है, तो ऊपर यहाँ पे बन रहा है लो प्रेशर। तो मिड लैटिट्यूडनली ये जो विंड सिस्टम है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, राइट? तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, टाइम बेसिन इज सिंकिंग एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव कॉजिंग डिसकम्फर्ट ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग। तरीम बेसिन कहाँ पे है? ये चाइना में एक जगह का नाम है तरीम बेसिन। तो तरीम बेसिन में क्या होता है, अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स चलती है, जिसकी वजह से बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा वेदर बन जाता है। तो ये वाली जो विंड यहाँ पे चलती है अर्ली स्प्रिंग के टाइम पे, यहाँ पे जो विंड्स चलती है तरीम बेसिन में, उन विंड्स को क्या बोलते हैं? उन विंड्स को बोलते हैं काराबुरान विंड्स। सेंट्रल एशिया की ये विंड्स है पर्टिकुलरली, राइट? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स की वजह से सारा साल बारिश कहाँ पे होती है? साउथ चिले में होती है। नेक्स्ट,
वेस्टर्लीज आर स्ट्रॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. वेस्टर्ली विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. राइट, क्यों? क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास कम है, ओशन ज़्यादा है, इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्ली विंड स्ट्रांग होती है, नॉर्दर्न में स्ट्रांग नहीं होती. तो असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग आ जाती है. रीज़न क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ नो मोर लैंड एरिया देन द सदर्न हेमिस्फीयर. रीज़न वाली स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है. तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. नेक्स्ट, पोलर एरियाज हैव हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर. पोलर एरियाज में एटमोस्फेरिक प्रेशर हाई होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए एटमोस्फेरिक प्रेशर हाई होता है. रीज़न क्या दे रखा है? दीज एरियाज रिसीव नो सनशाइन थ्रू आउट द ईयर. पोलर एरियाज में नो सनशाइन नहीं आएगा. थोड़ी बहुत तो सनशाइन होती है, थोड़ा बहुत 6 महीने के लिए थोड़ा बहुत तो जो सूरज है वो दिखाई देता है. तो नो सनशाइन वाली ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट, अ रिलेटिवली स्मॉल रोटेटिंग फनल दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ टावरिंग क्लाउड विद थंडर लाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स इज नोन एज टॉर्नेडो. टॉर्नेडो में थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं, लाइटनिंग भी होती है और बहुत ही तेज हवाएं चलती है. नेक्स्ट, कोल्ड एयर ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड. सी टुवर्ड्स लैंड ड्यूरिंग डे पर्टिकुलरली इन आफ्टरनून. आफ्टरनून के टाइम पे जो विंड्स चलती है, जो ठंडी हवाएं चलती है, वो सी टू लैंड चलती है. क्यों चलती है? क्योंकि जो लैंड है ना, लैंड की स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है. स्पेसिफिक हीट कम होती है, इसीलिए लैंड जल्दी गर्म हो जाती है. लैंड गर्म होती है, ओशन ठंडा होता है कंपैरेटिवली लैंड के. तो लैंड की जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, ठीक है, ये वाला जो लैंड एरिया है यहाँ पे आ जाएगा ओशन. तो लैंड क्या होएगा, लैंड गर्म हो जाएगी तो वहाँ की जो हवा है वो क्या है, ऊपर उठेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है. तो ये यहाँ पे जब वैक्यूम बन जाएगा तो इस वैक्यूम को भरने के लिए जो ओशन से ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ चलेगी. राइट, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का कन्वेक्शन करंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ की जो गर्म हवा है वो ऊपर को उठेगी, ऊपर जाकर ठंडी होएगी, और ठंडी होएगी तो वो फिर वापस ओशन की तरफ चलेगी, और ओशन की जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ चलेगी. तो यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन करंट बन जाता है एयर का. तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर. लोअर स्पेसिफिक हीट एंड ग्रेटर अब्जॉर्बिंग पावर कॉजेस लैंड टू बी हॉटर देन सी कॉजिंग कन्वेक्शन करंट इन एयर. नेक्स्ट, When warm air moves into the region of cold air, it leads to the, जब warm air cold air की तरफ move करती है तो कौन सा front बनता है, warm front. तो option B है answer. Jet streams west to east चलती है. तो पिछली video में भी ये हम same question discuss कर चुके हैं, वहाँ पर मैंने picture के साथ भी आपको दिखाया था, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में आगे जा रही हूँ. नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिनूक विंड इज करेक्ट. चिनूक विंड कहाँ की है, अभी हम बात करके आए हैं चिनूक विंड की. नॉर्थ अमेरिका में चलती है चिनूक विंड, रॉक नॉर्थ अमेरिका की रॉकी माउंटेन्स में. राइट, और ये जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन्स की ईस्टर्न स्लोप्स पे चलती है चिनूक विंड्स. तो इसीलिए अब ये जो होता क्या है, ये लीवर्ड साइड चलती है. ये जो रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स की इस साइड पे चलती है चिनूक विंड्स, लीवर्ड साइड पे, ठीक है. तो लीवर्ड साइड पे चलती है, इसीलिए ये कौन सी विंड होती है, ये होती है वार्म एंड ड्राई विंड्स होती है. तो वार्म एंड ड्राई विंड्स होती है तो कोई ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती नहीं है. तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर. दे डिसेंड्स अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन इन मिड लैटिट्यूड्स. राइट, बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है दे ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ रेन विद देम, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो चिनूक विंड्स है वार्म एंड ड्राई विंड्स है, दूसरा लीवर्ड साइड चल रही है रॉकी माउंटेन्स की, तो बारिश तो इनके साथ आएगी ही नहीं. बारिश आए ये तो पॉसिबल है ही नहीं है. थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पूरी अगर हम बोले कि बहुत सारी रेनफॉल होती है, ऐसा नहीं है. ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग. ट्रेड विंड्स कब स्ट्रांग होती है, विंटर के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की तरफ ब्लो करती है. नेक्स्ट, कोरालिस फ्लो टेंड्स टू टर्न द फ्लो ऑफ एयर. कोरालिस फोर्स की वजह से जो एयर है वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है. जो एयर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होती है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू कोरालिस फोर्स. तो ऑप्शन ए है इसका आंसर. नेक्स्ट, विंड वेन इज एन इंस्ट्रूमेंट. विंड वेन से हम
जो विंड वैन इंस्ट्रूमेंट है इससे हम देखते हैं विंड की डायरेक्शन के बारे में। तो ऑप्शन ए आ जाएगा, आंसर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ विंड, कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिस तरफ विंड चलती है उसी तरफ इस मुर्गे का जो फेस है वो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, वेस्टर्ली विंड्स लाइज इन, वेस्टर्ली विंड्स कौन से लैटिट्यूड्स में ब्लो करती है, 35 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब ये जो वेस्टर्ली विंड्स है ना, कहीं पे आपको लिखा नजर आएगा 30 टू 60, कहीं पे 40 टू 60 आ जाएगा, कहीं पे 35 टू 60, तो सारे के सारे ही ये राइट में आते हैं, 30 टू 60 भी, 35 टू 60 भी और 40 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ भी, राइट। नेक्स्ट, फॉन एंड चनूक विंड्स, फॉन एंड चनूक विंड्स कहाँ पे चलती है, फॉन यूरोप की विंड्स है, चनूक कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका की विंड्स है, तो ये क्या है, वहाँ की रीजनल विंड्स है। दे आर कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग रीजनल विंड्स वाइल पासिंग थ्रू ए माउंटेन रेंज, क्योंकि जो फॉन विंड्स है ये चलती है एल्प्स में, चनूक विंड्स रॉकी माउंटेन्स में चलती है, तो माउंटेन रेंज में से ये पास करती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना कैन अकर विन वेरी वार्म एंड ह्यूमिड एयर इज राइजिंग ओवर ए मास ऑफ वेरी कोल्ड एयर, ठीक है, कोल्ड एयर के ऊपर जब ह्यूमिड एयर जाती है तो क्या होता है, कम वेदर तो होएगा नहीं, स्नोफॉल भी नहीं होएगी, स्टॉर्म एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आएंगे और इंटेंस रेनफॉल आएगी और हेल स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा 3 और 4, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।